तो भैया हम फिर हाजिर है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 का एक और वीडियो लेकर भैया, जिसमें हम पिछले बार तक पहुंच चुके थे बिग वेव बीच के 8 लेवल तक। अब 9th लेवल से स्टार्ट करना है भैया खेलना। ओए तो फिर देर किस बात की, चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया चलिए 9th लेवल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे सामने क्या चैलेंज आता है। अरे भैया देखिए, दो टाइल्स तो सीधे सीधे हट गए भैया, डेव की मोल्ड्स में हमको लगाना ही नहीं है। तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पहले तो बहुत ही दिक्कत होती थी लेकिन अब तो और ही ज़्यादा दिक्कत होगी भैया। आपको लिली पैड्स रखने होंगे, लिली पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भैया। बाकी सनफ्लावर ले लेते हैं और बाकी चीज़ें ले लेते हैं भैया। वॉलनट एंडोरियन वगैरह सब ले लिए हैं, तो चलिए खेलना स्टार्ट करते हैं। हो इसकी अच्छी बात यह है कि अभी तक तो काफ़ी लिली पैड हमारे पास पहले से हैं, तो जहाँ जहाँ पर लिली पैड है वहाँ पर सनफ्लावर लगा देते हैं। ये दो जगह लग गए, बीच में एक जगह और लगाना पड़ेगा, तो ये गया एक लिली पैड। तो ओह ये तो काफ़ी बड़ा लेवल है, इसमें तो चार चार ह्यूज वेव हैं यानी कि फ्लैग्स आने वाले हैं। हाँ भैया देखिए ना कैसा स्टेज है, एक दो दो टाइल्स भी हटा दिए, ऊपर से चार चार फ्लैग लगा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर एक एंडोरियन रख दिया, एक वॉलनट रख दिया, ताकि ये ज़ॉम्बी उसे खाते रहेंगे भैया, और हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा ताकि हम और भी सनफ्लावर लगा सकें भैया। इसके बाद जहाँ जहाँ लिली पैड नहीं है वहाँ वहाँ पर हमको लिली पैड लगाने पड़ेंगे भैया। उसके ऊपर फिर प्लांट रखेंगे भैया। देखिए चार सनफ्लावर हो चुके हैं और दो जगह से ज़ॉम्बी और आ रहे हैं, तो एक जगह तो वॉलनट रख देंगे भैया, दूसरी जगह के लिए सोचना पड़ेगा कुछ। ओ इसमें सोचना क्या है, एक जगह वॉलनट लगा देंगे और एक जगह एंडोरियन लगा देंगे, बस हो गया ना। देखते हैं भैया उतना टाइम मिल पाता है कि नहीं। देखिए एक ज़ॉम्बी तो बहुत पास पहुंच गया है, एक के सामने हमने वॉलनट लगा दिया है, तो ये तो लिली पैड को खा रहा है भैया, और खाते हुए वो आगे भी बढ़ गया। बाप रे तुरंत लगाना पड़ेगा भैया, एक्टिव हो जाए। ये हुआ एक्टिव, जल्दी से लगा दिया भैया, अच्छा हुआ टाइम रहते लगा दिया। अभी बीच वाले में से एक और ज़ॉम्बी आ रहा है, उसके लिए भी वहाँ पर एक वॉलनट लगाना पड़ेगा। और ये गया वहाँ पर एक और वॉलनट भैया। देखिए बढ़िया है, अरे एक जगह बाकी है, जल्दी सब वॉलनट लगाइए ना। अब सही है, सब जगह सनफ्लावर हो चुके हैं, सब जगह वॉलनट लग चुके हैं, अब बाकी जगह पे हमको बोंगशाय लगाना है ताकि ये इन ज़ॉम्बियों की भेजा उड़ा सके भैया। बहुत बढ़िया, हमको एक प्लांट फूड भी मिल गया। ओले इसी बीच में एक ह्यूज वेव भी आ गई और इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। आने दे, हम तैयारी पूरी रखेंगे, तीन जगह बोंगशाय लगा दिया है, बाकी कोई जगह हमने अटैकिंग प्लांट नहीं रखे हैं, और जहाँ पर नहीं रखे हैं कोई बात नहीं, एंडोरियन है, एंडोरियन उन्हें डैमेज करता रहेगा और आखिरकार मार देगा। हाँ भैया लेकिन हम चांस क्यों छोड़े भैया, सब जगह हम लगाएंगे बोंगशाय का और बोंगशाय सबको मारेगा भैया। अभी तक तो सब सही जा रहा है भैया, जब तक वो खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं आते जो सर्फर वाले हैं भैया, उसके बाद वो ऑक्टोपस वाला आएगा, वो भी बहुत खतरनाक है। तो सबके पहले अभी ये तो नॉर्मल ज़ॉम्बी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और लेयर लगाना चालू करते हैं भैया, एक काम करते हैं, पी शूटर भी हमारे पास में है, तो एक काम करेंगे कि सामने सामने वॉलनट लगाते जाएंगे और पीछे के वॉलनट को हटाकर उनकी जगह बोंगशाय लगाना चालू करेंगे भैया, और खाली स्पेस पे हम पी शूटर लगाना चालू करेंगे। ये देखिए भैया कुछ इस तरीके का प्लान है, ऐसे ही हमको आगे बढ़ते जाना है, तो सभी ज़ॉम्बियों का जल्दी जल्दी सफाया हो जाएगा भैया और हम टिक पाएंगे चार फ्लैग तक भैया। ओए हाँ ये बात तो है, इतने सारे फ्लैग देख के मैं भी चकरा गया था, लेकिन मुझे याद है हमने पिछले बार भी इसे पार किया था और इसी तरीके से पार किया था, तो बढ़िया है इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे, पूरे पीछे के टाइल्स को ख़त्म करते जाएंगे यानी हटाते जाएंगे, साफ करते जाएंगे और उनकी जगह पे पी शूटर लगाना चालू करेंगे। हाँ भैया देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। देखिए हमारा प्लान लगभग काम कर रहा है, बस एक जगह बाकी है, वहाँ भी हटाकर सामने में हमको यहाँ पर वॉलनट रखना पड़ेगा और उसके पीछे में बोंगशाय रखना पड़ेगा भैया। देखिए अब एक और प्लांट फूड आ चुका है, उसे भी ले लिया। अब देखते हैं कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, सेकेंड यूज भी आ चुकी है और इसके साथ ही इतने सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं भैया। देखिए सबको हटाकर फिर से वैसे ही करते हैं, बोंगशाय को हटा दिया, उसकी जगह दूसरा बोंगशाय लगा दिया भैया, और एक और प्लांट फूड मिल गया है। प्लांट फूड ही प्लांट फूड है भैया, हम जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरी ह्यूज वेव आ चुकी है, इसके साथ में सिंपल ही ज़ॉम्बी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बकेट थोड़े से आ रहे हैं पर उनको भी ये बोंगशाय संभाल लेगा भैया, अगर ज़्यादा कुछ नहीं किया तो पीछे वाले पी शूटर तो हैं ही भैया, एक जगह और बाकी है जहाँ हमको पी शूटर लगाना है, तो ये लग गया भैया। हमारा सेटअप काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब हम चाहें तो एक और सामने लगा सकते हैं, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है भैया। बढ़िया है, देखिए अब ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे पी शूटर लगाते जाएंगे, तभी ज़ॉम्बी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे भैया।
ओए बढ़िया स्ट्रेटेजी है, मजा आ गया। ऐसे तो ये जॉम्बी को थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाएगा, पर ये क्या, ये जॉम्बी तो अचानक ही कहीं से जमीन से आ गए, बहुत खतरनाक। यहाँ पर अगर वॉलनट नहीं होता तो सीधे प्लांट के पास पहुँच जाते और यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती। यहाँ पर वॉलनट रखना ज़रूरी है, हमने सोचा था कि काफ़ी आसान होगा लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ भैया, मैं तो टाइडल वेव के बारे में भूल ही गया था। मुझे पता था ऐसा होता है लेकिन याद नहीं था भैया, पर कोई बात नहीं। देखिए अब तो पूरी तरह से पानी हट चुका है, हम आगे आगे रखते जाते हैं भैया, और अब तो ज़मीन है, अब कोई टेंशन नहीं है। देखिए प्लांट फूड यूज़ किया है, सब जगह एक साथ हमला हो रहा है और सबके सबको एक साथ ख़त्म कर दिया भैया, मज़ा आ गया। देखिए अभी भी 3 प्लांट फूड है, उसके हिसाब से हमको खेलना है। थोड़ा सा पानी है भैया, कभी भी आगे आ सकता है। और देखिए भैया फिर से पानी चढ़ने लगा है, पहले बहुत पीछे था अब वापस पानी चढ़ के आगे आता जा रहा है भैया। उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। बस एक फाइनल वेव बाकी है, इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा भैया। हमने 3 वेव को आसानी से झेल लिया भैया, चौथी वेव की बारी है, जल्दी जल्दी मारते हैं। देखिए कुछ ही ज़ॉम्बी बाकी है, जल्दी जल्दी इनको मारते हैं भैया। 3 प्लांट फूड है हमारे पास में और चौथा तो सामने दिख रहा है भैया, उसे मार देंगे तो चौथा भी मिल जाएगा। ओए बढ़िया है, मज़ा आ गया। देख इसमें सब ज़ॉम्बियों को मार के हम ये लेवल भी क्रॉस कर जाएंगे, और ये फाइनल वेव है, इसी के साथ हमके 4 प्लांट फूड मिल चुके हैं, अब जल्दी जल्दी मारेंगे। देख इतने ही ज़ॉम्बी बाकी हैं, जब पास तो आने दे, फिर उसके बाद बॉन्ग चॉय के ऊपर हम प्लांट फूड यूज़ कर लेंगे, सबके सबको एक साथ मार देंगे। वाह भैया बिल्कुल आप जैसा कहें भैया, जैसे बकहेड पास आएंगे सबके सबको मार देंगे। सिंपल ज़ॉम्बी तो वैसे ही बॉन्ग चॉय संभाल लेगा भैया, बकहेड के लिए बस प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए चारों तरफ हमला करके वो तुरंत ही सबको ख़त्म कर देगा। देखिए भैया अभी भी 3 प्लांट फूड बाकी है, एक जगह और यूज़ कर लिया तो ज़्यादा ज़ॉम्बी तो बाकी नहीं है भैया, ये आखिरी ज़ॉम्बी है, इसके बाद खेल ख़त्म। और इसी के साथ ये लेवल भी क्रॉस हो गया भैया, क्या बात है, 9th लेवल क्रॉस। इसके साथ कुछ पैसे मिले हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये अच्छी बात हुई कि हमारा एक भी लॉन मूवर ख़त्म नहीं हुआ भैया, मज़ा आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और लेवल 10 पे देखते हैं भैया कि क्या चलने जाता है और किस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं भैया। ओए ठीक है देखते हैं। ओ यहाँ पर क्या है, बीच में रस्सी है, ठीक है इस बार तो ज़मीन आ गई है, और इस बार तो ये स्लाइडर से आ रहे हैं, ठीक है स्लाइडर से जो आता है खेलने मिलेगा। ओ ये तो बल्ब है, मज़ा आएगा, ये तो ये बॉलिंग वाले जैसे घूमते हैं और सीधे सीधे इन पे हमला करते हैं। हाँ भैया कुछ लेवल के बाद में ये हमको फ्री हो जाएंगे भैया, यानी कि मिल जाएंगे, तब तक कि हमें इसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। देखिए आते जा रहे हैं, मारते हैं तुरंत इन लोग को बॉलिंग जैसे भैया। आपको याद होगा प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 में हमने ऐसे ही खेला था भैया और बॉलिंग से सबको हराया था। इनफैक्ट प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 में भी कई स्टेज थे जिसमें ऐसे खेलने को मिला था, पर ठीक है ये वाला अलग है भैया, इसको हम क्रॉस करते हैं, पिछले बार भी किया था। इस बार सबको क्रॉस करके इस बार के ज़ॉम्बी बॉस को हराएंगे भैया, जो हमने पिछले बार नहीं किया था, पिछले बार बहुत दिक्कत हुई थी, हम यहाँ लेवल तक पहुँच गए थे लेकिन हमने ज़ॉम्बी बॉस को नहीं हराया था भैया। इस बार इसके ज़ॉम्बी बॉस को भी हराना है और मॉडर्न वर्ल्ड भी पहुँचना है भैया, मॉडर्न वर्ल्ड खेलना है। देखिए ये तो कितने पास आ गए हैं, बाप रे बाप, अगर हमने राइटिंग बोर्ड यूज़ नहीं किया होता तो ऐसा लग रहा था कि खेल खत्म था भैया। अब जाके एक प्लांट फूड मिला है, जो पहले मिल गया रहता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, पर ठीक है ये लाइटिंग बल्ब मिलते जा रहे हैं, इनको लगाते जाते हैं भैया। देखिए कई ज़ॉम्बी तो एकदम पास पहुंच चुके हैं और दूसरा वाला एक अपन को मिल गया है भैया। प्लांट फूड मिल गए हैं, अब प्लांट फूड कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ी, बाद के लिए बचा के रखते हैं। देखिए हर जगह यहाँ पर बॉलिंग बल्ब मिले हैं और साथ में ये पी शूटर मिले हैं, तो उनको ऐसे लगा दिया है कि सब जगह एक बॉलिंग तो होना चाहिए और एक पी शूटर तो होना चाहिए। देखिए भैया अब तो ये बकेट वाले कितने पास पहुंच गए हैं और पहली यूज वेव आ चुकी है और इसके साथ कई सारे ज़ॉम्बी भी आ चुके हैं। ओए ठीक है इसको भी संभाल लेंगे, आधा लेवल क्रॉस हो चुका है और हम काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल में कोई परेशानी होने वाली है। देख कुछ ज़ॉम्बी बहुत पास आ चुके हैं लेकिन हमारे पास प्लांट फूड है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये गया प्लांट फूड, तुरंत तुरंत मर रहे हैं। और एक और प्लांट फूड मिल चुका है, बहुत बढ़िया, उससे जो ये रेज निकले थे, जो बल्ब निकले थे, वो सबको एक बार में मारते हुए गए, ये बढ़िया हुआ। हाँ भैया ये लेवल उतना छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा,
तो हमारे पास इतने सारे मिल भी गए हैं भैया, हम जब चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से हमको टैंगल कल्प भी मिला हुआ है, उसे कैल्प कभी भी हम लगा सकते हैं ताकि ये जो स्कूबा डाइवर वाले ज़ॉम्बी हैं उनको खींच के ले जाएं भैया। देखिए तुरंत ही इनके ऊपर हमला हो रहा है, सब जगह लाइटिंग बलवा चुके हैं। बहुत बढ़िया भैया, अब तो इनको रखने की भी जगह नहीं है, तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ करते हैं। ये क्या, सभी को एक साथ मार दिया, बहुत बढ़िया। देखिए एक और प्लांट फूड मिला है, उसे भी यूज़ करेंगे। अब फाइनल वेव आ चुकी है, अब देर किस बात की भैया, सबको एक साथ ख़त्म करते हैं तुरंत ही प्लांट फूड लगाकर। पर पहले पास आने दीजिए, ये ठीक है। देखिए खूब सारे पकेट वाले आ रहे हैं, उनको ख़त्म किया और यहाँ पर प्लांट फूड यूज़ कर लिया, बहुत बढ़िया। सबके सब एक साथ ख़त्म हो गए, मज़ा आ गया भैया। ओए हाँ, बस बचे हैं तो ये बकेट वाले, इनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तुरंत ही एक प्लांट फूड लगाते हैं, ये तो एक कुछ देर के मेहमान हैं, तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या प्लांट फूड, और एक साथ सबको ख़त्म कर दिया, मज़ा आ गया। ये वे भी आराम से क्रॉस हो गया, यानी ये लेवल भी, और साथ में हमको कुछ कॉइन मिले हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये लेवल ख़त्म हो चुका, यानी कि लेवल 10। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इस लेवल के एंड तक हमको बॉलिंग बल मिल जाएगा ताकि हम उसे आगे यूज़ कर पाएंगे। वैसे ये बहुत महंगा है भैया, 200 सन का आता है, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए डे 11 आ गया, उसके साथ चैलेंज आ गया जिसमें हमको दिए हुए प्लांट से खेलना है। तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट पहले मिले हुए हैं। तो यहाँ सनफ्लावर मिला है, बॉलिंग बल्ब मिला है, उसके अलावा एक बॉम्ब मिला है पोटैटो माइन, और उसके अलावा एक मिला है वॉलनट, और साथ में हमने कैल्प ले लिया, और लिली पैड मिला हुआ है। एक स्लॉट बाकी है एंडोरियन लेके, इसे ख़त्म करते हैं। हाँ भैया, चलिए देखते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। पहले से कुछ लिली पैड दिए हुए हैं, तो वहाँ पर एक काम करेंगे हम कि वहाँ वॉलनट लगाते जाएंगे, और यहाँ पर ज़मीन जो दिया हुआ है, 3 टाइल्स है भैया, यहाँ पर हम सनफ्लावर और बाकी प्लांट लगाएंगे भैया। देखिए बढ़िया है, सनफ्लावर लगाते जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए भैया 3 ह्यूज वेव आने वाली है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो पहले तो अब हम वॉलनट लगाना चालू करते हैं, एक जगह वॉलनट लगा दिया, अब दूसरे जगह एंडोरियन लगाते हैं, पर कैल्प लगाकर उसे खींच लेते हैं भैया। तो ये कैल्प गया और वो ज़ॉम्बी भी चला गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 जगह से और आ रहे हैं, उस हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक जगह तो एंडोरियन लगा देंगे भैया, दूसरी जगह के लिए देखना पड़ेगा, अभी वॉलनट एक्टिव होगा तभी उसे लगा पाएंगे। ओए वॉलनट एक्टिव हो गया, उसे लगा भी दिया, अब ठीक है। 3 जगह ज़ॉम्बी आ रहे थे, 3 जगह हमने वॉलनट लगा दिया, अब सब जगह हमारे पास ये सनफ्लावर लग चुके हैं, उस हिसाब से खेल रहे हैं हम, और इसको ही खींच लिया, बहुत बढ़िया। अब अटैकिंग प्लांट रखने पड़ेंगे, जब तक 200 नहीं होते, तो अब जाके 200 सन हुए और अब अटैकिंग करना चालू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बियों पर अटैक हो रहा है, और एक जगह से जो ज़ॉम्बी आ रहा है वहाँ पर हमने वॉलनट या फिर एंडोरियन नहीं रखा, वहाँ रखना पड़ेगा। और देख वॉलनट तो रिचार्ज होने में टाइम लगेगा, एंडोरियन आ गया, ये बढ़िया है। ओए हाँ, कैल्प में अपना काम कर दिया, अब कुछ ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इसको भी मारना चालू करते हैं। सिर्फ एक ही जगह हमने अटैकिंग प्लांट रखा हुआ है, जैसे ही 200 होंगे उसके बाद दूसरी जगह भी लगा देंगे। तो ये दूसरा एक्टिव हुआ, इसको बीचों बीच में लगाते हैं ताकि वहाँ से टकरा के काफ़ी दूसरे ज़ॉम्बियों पर अटैक हो सके। तो ये बढ़िया है, अभी चलता हुआ जा रहा है और सभी ज़ॉम्बियों पर अटैक हो रहा है। 2 ही बॉलिंग बल्ब हैं, पर कोई बात नहीं, काम हो रहा है, हमारे पास कैल्प भी है। हाँ भैया देखिए, इतने सारे ज़ॉम्बी, अब पहली यूज वेव आ चुकी है, और इसके साथ में वो जो ज़ॉम्बी है भैया सर्फर वाला, जिसका डर था वही हुआ भैया, इस बार वो आना चालू हो गया है। देखिए अब तो 2-2, 3-3 आ रहे हैं भैया। और इसकी दिक्कत ये है कि इसको वॉलनट भी नहीं रोक सकता, और ये काफ़ी आगे आ चुका है, देख अब तो ये गाड़ देगा। अरे बाप रे, इसका सर्फ काफ़ी आगे तक चला जाएगा, और ये गाड़ भी दिया, पर बच गए हमने सही टाइम पर, वहाँ पर ये यूज़ कर लिया। अगर प्लांट फूड यूज़ नहीं किया होता तो वहाँ पर तो हमारा सर्फ गड़ा होता। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक वॉलनट रख दिया, इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, सबको मारना पड़ेगा, और प्लांट फूड भी ख़त्म हो चुका है। तो ठीक है, उसके ऊपर अटैक तो हो रहा है, धीरे धीरे ज़ॉम्बी सब मरते जाएंगे, ये बढ़िया है। ठीक है, बॉलिंग बल्ब और मिल रहे हैं, उसे और आगे लगाते जाएंगे तभी काम बनेगा। प्लांट फूड मिला है, अब जाके इनको मारा है, बहुत बढ़िया। सबके सब लगभग ज़ॉम्बी मर गए, बस एक बाकी है, और फिर से ये सर्फर वाले आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। हाँ भैया, ये सर्फर वाले को मारना पड़ेगा, अब जाके मरा है। देखिए एक और आ रहा है, उसे लिख कैल्प लगा दिया है ताकि वो उसे खींच ले। ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है भैया, जल्दी जल्दी उसे खींच के मार देंगे। तो ये गया सर्फर, बहुत बढ़िया भैया। अब देखते हैं और कितने आते हैं। तो और अरे बाप रे, ये तो आते ही जा रहे हैं, 3-3 एक साथ आ रहे हैं भैया, इनका कुछ करना पड़ेगा। बाप रे, एक तो बहुत पास पहुंच चुका है, और उसके बाद लगातार अटैक हो रहा है,
लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, यहाँ पर प्लांट फूड यूज़ करना पड़ा तब जाके काम बना भैया, और ऊपर में तो वो बहुत पास आ चुका है, वहाँ पर भी प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा। ओ बाल बाल बचे भैया, अब फाइनल वेव आ रही है, फाइनल वेव में भी वो सैस सर्फर आएंगे। ये देखिए भैया, अब तो 500 तरह के सैस सर्फर आ रहे हैं और हमने पूरा प्लांट फूड यूज़ कर लिया है। देखिए भैया, अच्छा हुआ ये तो सभी एक साथ चले गए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भैया। मुझे लगा था ये सर्फर वाले प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भैया, और आराम से हमने खेल लिया। देखिए भैया, ये लेवल भी आराम से पार हो जाएगा, यही 11 है भैया, बस इसके बाद कुछ लेवल और रहेंगे। वैसे तो इस वर्ल्ड में 32 लेवल हैं, तो अभी काफ़ी सारा लेवल खेलना है भैया। ओए हाँ, इसको 16 लेवल तक खेलेंगे, 16 लेवल के बाद में इसको एंड कर देंगे, क्योंकि हमको एक वीडियो में कम से कम 8 लेवल तो चाहिए ही चाहिए, ताकि 4 पार्ट में इस पूरे वर्ल्ड को हम ख़त्म कर पाएँ। और ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हमने खेल चुका है जिसमें 8 लेवल हमने क्रॉस किए थे, इस बार 8 और करेंगे और 16 तक पहुँचाते हैं इसको, तो मज़ा आ जाएगा। ये डे 11 है और एक ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 5 लेवल और खेलने पड़ेंगे तब हम 16 तक पहुंच पाएंगे। अभी काफ़ी लंबी जर्नी है, ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ 9, 10th और 11th किया हुआ है, अभी बाकी के लेवल बाकी हैं। अब बढ़िया, ये भी हो गया, अब डे 12 की बारी है, तो इसमें आराम से हमने क्रॉस कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या चैलेंज आते हैं और उसको कैसे हम टैकल करते हैं। तो ये है डे 12 और इसमें क्या आता है कि देखते हैं हम। ओ ये देख, इसमें है प्लान योर डिफेंस एंड डिफीट द ज़ॉम्बीज। ओके ठीक है, तो कुछ प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम डिफीट कर सकते हैं ज़ॉम्बियों को। अरे भैया, ये हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे याद है भैया, हमने लाइटनिंग रीड लिया हुआ था और लाइटनिंग रीड लगा के इनको मार दिया था भैया, तो इस बार भी वैसे ही करते हैं। फिर से अब प्लांट मैं सेलेक्ट करूँगा भैया, आइए मुझ पर छोड़ दीजिए, सभी ज़ॉम्बियों को मैं मारूँगा। हो सकता है कि हमारे काफ़ी सारे लॉन मोअर ख़त्म हो जाए, लेकिन आखिर हमार में जीत हमारी होगी भैया। तो लाइटनिंग रीड ले लिया, फॉलेंट ले लिया है, लिली पैड लेना बाकी है भैया, हमको सनफ्लावर भी चाहिए होंगे, सॉरी सनफ्लावर क्यों चाहिए भैया, इसमें तो हमको प्लांट करना है अपने डिफेंस को, ठीक है भैया। तो डिफेंस के लिए इतने सारी चीज़ें ले ली हैं, और चाहिए बॉम्ब भी ले लेते हैं, कुछ एडवांस हो जाए इसके लिए भैया। एक स्लॉट बाकी है, जल्दी से बचा हुआ चीज़ में कुछ और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं भैया। बॉलिंग बॉल भी ले लेते हैं, वैसे यूज़ तो नहीं करना है, और 1750 सन है भैया, तो ठीक है। पहले एक काम करते हैं कि पूरे लाइटिंग ग्रिड की एक लेयर लगा देते हैं भैया, और उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे, दूसरे लेयर तो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करते हुए 2 लेयर लगा देते हैं, अब बहुत बढ़िया भैया। अब देखिए हमारी 2 लेयर लग चुकी है, अब एक काम करते हैं, वॉलनट लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले लिली पैड लगाना पड़ेगा, और ये वॉलनट ऐसे गए, अब सही है। अब एक काम कर सकते हैं कि एक और वॉलनट की लाइन लगा सकते हैं भैया, ताकि हम सब जगह सुरक्षित हो जाए। देखिए भैया, क्योंकि सर्फर वाले आएंगे, वो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगाते हैं। तो इतने जगह लग चुके हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं बाकी हैं भैया, जितने हुए उतने में काम चलाते हैं, चलिए खेलना स्टार्ट करते हैं भैया। और ठीक है, जैसा तू बोले चल खेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, आने दे ज़ॉम्बियों को, सबकी चटनी बना देंगे। वैसे लाइटिंग रेट बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये तो पहली सर्फर आ रहे हैं, बाप रे ये काफ़ी पास पहुंच रहे हैं, और ये तो डायरेक्ट आते जा रहे हैं, पर अच्छा हुआ करंट लग के तुरंत ख़त्म हो जा रहे हैं। छोटे छोटे ज़ॉम्बी तो तुरंत ही मर जा रहे हैं, बाकी बड़े बड़े ज़ॉम्बी तक दिखना पड़ेगा, अभी तक आके कोई नहीं पहुंचा। और कौन वाले ज़ॉम्बी हैं ये थोड़ी देर में मरेंगे, कोई बात नहीं, पर अटैक सबके ऊपर एक साथ हो रहा है, तो ये बढ़िया बात है। और बस ये बकेट वाले हैं, वो परेशान करेंगे, तो हम चाहे तो प्लांट फूड यूज़ कर सकते हैं किसी के ऊपर भी, तो हमारे पास 3 प्लांट फूड है, कैसे भी यूज़ करेंगे। हाँ भैया, वक्त आने पर यूज़ करते हैं, अभी तो सब सही चल रहा है। बस सामने एक बोर्ड लग चुका है, 2 जगह इनफैक्ट बोर्ड लग चुके हैं, तो ठीक है, पहले बोर्ड लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले तो लाइटनिंग उन्हें मारेगा भैया, और उसमें से क्रॉस होकर बाकी लोगों को भी अटैक करेगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत सामने आ जाए तो कोई दिक्कत होगी। देखिए हमारे एक और वॉलेट ख़त्म हो गया, पापरे उसकी जगह पे ये सिल्वर सर्फर हो गया भैया, सर्फर आ गया, पर कोई बात नहीं। देखिए एक और हमारा वॉलेट ख़त्म हो गया, पर हम अभी भी डटे हुए हैं भैया, हमने एक वेव को क्रॉस कर लिया है, अभी एक वेव और बाकी है, बस इसको और ख़त्म कर दें तो हमारा ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लांट फूड यूज़ किया, ताकि वो क्लाउड बन का सब जगह अटैक कर सके, तो ये ठीक है, जल्दी जल्दी सब मरते जा रहे हैं, बढ़िया है। देखिए भैया, पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बी एकदम पास पहुँच चुके हैं,
और जहाँ पर वॉलनट नहीं है वहाँ पर वॉलनट खा खा के सामने आते जा रहे हैं भैया। ये देखिए एक तो इतना पास पहुँच चुका है कि क्या बताएं, सन भी नहीं है रोकने के लिए, बम तो ले लिया लेकिन बम के लिए पैसा नहीं छोड़े भैया। पर ठीक है कोई बात नहीं, ये फाइनल वेव है, बस इसको क्रॉस कर लें तो ये लेवल क्रॉस हो जाएगा भैया। ओए तूने तो कहा था तुझे पता है और ऐसे में हम जीतेंगे, लेकिन जीतने के आसार तो कम लग रहे हैं क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बी आगे आते जा रहे हैं और हमारे पास लाइटिंग नहीं, एक लाइन में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ कोई डिफेंस ही नहीं है, वहाँ ना ही लॉन मोवर है, तो इतने सारे अगर आ भी गए तो बहुत दिक्कत होगी और सबके सब अंदर घुस जाएंगे। देख जैसे ये सामने आ रहे हैं, जहाँ लॉन मोवर है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको मारते हुए आगे बढ़ जाएगा, पर जहाँ नीचे में नहीं है वहाँ कैसे करेंगे। यदि ओ लाइटिंग बोल्ट यूज़ करते हैं सबको मारेंगे पर पैसे बहुत खर्चे होंगे, पर ठीक है हम बस तो जाएंगे और अगले लेवल तक पहुँच जाएंगे तो ये ठीक है, पर इस लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है तो इसलिए ऐसे ही सही, चलो ठीक है क्रॉस कर लेंगे। तो ये गए ज़ॉम्बी सब के सब ख़त्म हो गए, अब ऊपर वाले दो लेयर में बाकी है, वहाँ पर तो प्लान ये हमारे लॉन मोर ही काम कर लेंगे, तो इसी तरीके से ये लेवल भी ख़त्म हो गया, यानी डे 12 ख़त्म हुआ। हाँ भैया डे 12 ख़त्म हुआ, इसी के साथ कुछ कॉइन मिले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ गया डे 12 को ख़त्म करके, अब आगे बढ़ते हैं और डे 13 में क्या चैलेंज आता है ये देखते हैं। तो ये देखिए भैया, प्रोड्यूस एटलीस्ट 2000 सन्स और नेवर हैव मोर देन 16 प्लांट। ओके भैया दो दो एक साथ खतरनाक है भैया। ओए रुक, तूने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो सही नहीं है, मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ। लाइटिंग रीड तो तूने लिया है ठीक है, बल्ब भी ले लिया है वो भी ठीक है, तो लाइटिंग रीड के बजाय मैं एक काम करता हूँ दूसरा प्लांट लेता हूँ। यहाँ पर सनफ्लावर लेना ज़रूरी है, एक सनफ्लावर तूने लिया नहीं था, अभी एक और हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे हम एक काम कर सकते हैं, चेरी बॉम की ज़रूरत नहीं है, ट्विन सनफ्लावर रखते हैं क्योंकि हमारा एम है 2000 सन कलेक्ट करना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ भैया मैं तो भूल ही गया था, सॉरी कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सनफ्लावर लगा है और आगे बढ़ते हैं। ओए केवल सनफ्लावर से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर ट्विन सनफ्लावर लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर देख प्लांट भी कितने कम बचे हुए हैं, एक साथ हमको इतने ही प्लांट रखने पड़ेंगे। तो हमने लिली पैड तो पहले ही रखे और भी कम कर दिया है, पर ठीक है लिली पैड तो ज़रूरी था ही, तो एक काम कर सकते हैं कि अब ट्विन सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं ताकि हमको एक एम तो पहला जो है वो पूरा हो जाए 2000 सन का, और जब तक ज़ॉम्बी आ रहे हैं उसके लिए ये सबसे काम चलाना पड़ेगा, अटैकिंग प्लांट हम बाद में रखेंगे। तो ठीक है ये अभी लगाते हैं, और ये तो बड़ा थोड़ा सा लेवल है, इसमें तीन यूज वेव आने वाली है, उसके हिसाब से तैयारी भी करनी होगी, और एक और ज़ॉम्बी आ रहा है वो कम से कम हमको प्लांट फूड दे सकता है, तो प्लांट फूड से कुछ तो हो जाएगा और हमारे सन कम्प्लीट हो जाएंगे कम से कम। तो यहाँ बॉलिंग लेवल आते हैं और बॉलिंग करते हैं, देखते हैं बॉलिंग तो इसे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये गलत बात हो गई, तो बॉलिंग का कोई असर ही नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया मुझे लगता है कि दूसरा प्लांट लेना चाहिए था, पर ठीक है यहाँ पर भी हम ट्विन सनफ्लावर लेते हैं भैया, अब बॉलिंग ले लेते हैं। अब ठीक है दो जगह बॉलिंग हो चुके हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एम है वो तो हमको पूरा करना ही है भैया। और अभी तक कितने सन हो चुके हैं, हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं लगभग 700 सन भैया, ठीक है हम अपने टारगेट के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं भैया। जो स्कूबा डाइवर है इसके लिए तो ये कैल्प ही है जो काम कर जाएगा, बाकी के लिए देखते हैं भैया। देखिए अब हमारे पास कितने हैं, सिर्फ दो ही बाकी हैं, तो दो जगह ऐसे रखने पड़ेंगे कि हमारा काम हो जाए भैया। बीच वाले में हमने कुछ नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर इसको तुरंत कैल्प यूज़ करते हैं, कैल्प से खींच लिया भैया, अब यहाँ पर तुरंत ही लगा दिया, अब हमारे पास कोई भी जगह नहीं बाकी है जहाँ पर हम ये रख सके भैया। देखिए अब एक काम हो सकता है कि यहाँ पर जो ड्यूल वाला जो सनफ्लावर है भैया उसके बजाय हम उसे वहाँ रख सकते हैं और प्लांट फूड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट फूड यूज़ करके हम एक काम करते हैं कि हम पूरे सन वाला जो है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद देखेंगे बाकी काम भैया। देखिए हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं अपने टारगेट के, उसे कंप्लीट करते हैं। एक ह्यूज वेव हमने क्रॉस कर ली है, दूसरी ह्यूज वेव आ चुकी है और इसी के साथ में ये वेव आ गया है भैया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए अच्छा हुआ सही टाइम पे हमने प्लांट फूड यूज़ कर लिया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। देखिए फिर से सरफर आ रहे हैं पर ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ये बढ़िया है भैया। देखिए जल्दी जल्दी हो रहा है, ये सरफर आ रहा है पर ये कितने पास पहुँच चुका है, बाप रे इसको मारना ज़रूरी है, जल्दी से यूज़ करना पड़ेगा और सही टाइम पे हमने यूज़ कर लिया भैया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। अब सही है।
ओए हाँ, फाइनल वेव आ चुकी है और इसी के साथ में टाइट्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब बढ़िया है, हम अटैक करेंगे। प्लांट फूड मिला है, जल्दी से प्लांट फूड यूज़ करते हैं। वो बहुत पास आ चुका है। ओह, हमने गलत जगह प्लांट यूज़ कर लिया, पर कोई बात नहीं, हमने सही जगह किया है क्योंकि हमको जो सन के कंप्लीट करने थे वो पूरे हो चुके हैं। एक टारगेट पूरा हुआ, बाकी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास लॉन मोर की कमी नहीं है, सारे लॉन मोर चल भी जाएँ तब भी हम जीत जाएंगे। तो बढ़िया है, ये आसानी से हमने क्रॉस कर लिया, मज़ा आ गया। हाँ भैया, देखिए आराम से लॉन मोर चल रहे हैं, इसी के साथ में सारे ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं भैया, और इतने ही ज़ॉम्बी बाकी हैं। बस इसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा भैया, और हमारा एक और टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी डे 13 ख़त्म होगा भैया। इसके बाद एक लेवल और होगा डे 14 के बाद। देखिए भैया, एक प्लांट फूड मिला है पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने कुछ नहीं लगाया है। प्लांट फूड यहाँ लगा के देखते हैं, तो एक यूज़ किया, दो यूज़ किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आखिरकार हो गया भैया, एक लॉन मोर बचा लिया। उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम जीत गए। आगे बढ़ते हैं, डे 13 भी ख़त्म हुआ। अब आगे 6 लेवल के बाद कोई और प्लांट अनलॉक होगा। हमने ये टारगेट तो पूरा कर लिया, अब आगे देखते हैं। ओए हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब डे 14 है, डे 14 में देखते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है। सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक विद द गवर्नमेंट प्लांट्स, ठीक है, हमको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको वो सर्वाइव करना है। तो ये रहा, अब देखते हैं क्या मिल रहा है। सनफ्लावर है हमारे पास में, एक लिली पैड है, उसके अलावा जो टेंगल कल्प है, ठीक है, उसके अलावा वो वॉलनट है और बॉलिंग है, और साथ में एक आखिरी चीज़ है जो कि बाकी समय हमको नहीं मिली थी, और वो है चू, क्या नाम है इसका, भूल गया मैं, ओए चॉम्पर नाम है इसका, मुझे याद आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक वॉलनट रख दिया ताकि ज़ॉम्बी को रोक सके, वैसे ज़्यादा लंबा लेवल नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दो ही यूज वेव है। तो आने दे, हमारे पूरे प्लांट लग चुके हैं सनफ्लावर, अब जल्दी जल्दी यहाँ पर वॉलनट लगाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सब जैसे जैसे एक्टिव होते जाएंगे वॉलनट लगाते जाएंगे, और साथ में हमको यहाँ लिली पैड भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि पानी आई तो दिक्कत हो जाएगी, और बॉलिंग एली अब आ रहे हैं, अब बॉलिंग मारेगा, ये ठीक है, बढ़िया है, अब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और दोनों एक साथ ख़त्म हो गए, बहुत बढ़िया। अब ये लगातार जो वॉलनट खाता जा रहा है उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने वॉलनट एक ही जगह रखा हुआ है, वॉलनट भी रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर बॉलिंग लगा दिया, अब ठीक है। हाँ भैया, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, पर उसके लिए तैयारी नहीं है, खासकर वो कोन वाले ज़ॉम्बी के लिए भैया, तो तुरंत ही दूसरा जब आएगा उसके सामने लगा देंगे भैया, क्योंकि बाकी ज़ॉम्बी के सामने तो अटैकिंग प्लांट है, और जैसे ही हम थोड़ा आगे लगाते जाएंगे भैया, तब इस चम्पर को लगाएंगे भैया, चम्पर का बड़ा काम का है, और चम्पर को यूज़ भी करना चाहिए भैया, इसलिए ये तो लेवल दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया है, ये देखिए सारे के सारे ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं, ये बढ़िया हुआ। अब यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया है, तो कम से कम ये जो स्कूबा डाइवर है इसको तो खींच लेते हैं टैंगल कप से। ठीक है, अब एक जगह और है, वहाँ भी वॉलनट लगा दिया, ओ इसी की कमी थी, देखिए सर्फर वाला भी आ गया भैया, उसे अटैक हो रहा है लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा भैया उसे, ये देखिए अब जाके मरा हुआ है, पापरे बहुत क्लोज कॉल था, ऐसा लग रहा था कि बहुत पास आ जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये पहली व्यू जो है आखिरकार आ गई, तो अब जिसमें ज़्यादा वैसे भी नहीं है, दो ही व्यू जो आने वाली है, और उसी के साथ खूब सारे सर्फर आ रहे हैं, उसको मारना ज़रूरी है। देखिए भैया और कितने पास आते जा रहे हैं, एक को तो अटैक नहीं हुआ, टैंगल कल्प ही खुद रोक सकता है उसे, अब ठीक है, सब जगह मर चुके हैं, अब इतने ही ज़ॉम्बी है, जल्दी जल्दी मारना चालू करते हैं, और सब सामने सामने हम और वॉलनट रखते जाएंगे भैया, ताकि पीछे का सेटअप पूरा हो पाए। ओए हाँ, अब एक काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आगे आगे वॉलनट लगाना चालू करना पड़ेगा, ताकि उसके पीछे में हम लग सकें, ये हमारा जो चॉम्पर है उसको। तो ठीक है, अब बढ़िया, एक जगह यहाँ पर अटैक करना चालू करते हैं, अब बढ़िया हो गया, तुरंत तुरंत मरते जा रहे हैं, अब देखते हैं इतने बड़े बड़े ज़ॉम्बी, ओ अब ये इतने सारे ज़ॉम्बी और आ चुके हैं, जल्दी मारते हैं, प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा, दो प्लांट फूड हमारे पास में है, लेकिन इसे तब यूज़ करेंगे जब हमारा लास्ट यूज आ जाएगा, पर इससे पहले यूज़ कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब यूज आ रही है, और अब एक प्लांट फूड है हमारे पास में, जल्दी से प्लांट फूड यूज़ करके सबको मारना शुरू करते हैं, पर ये तो ज़मीन तक ही आएंगे, और साथ में ये बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ रहा है, इसको भी मारना है। हाँ भैया, इसको रोकना ज़रूरी है, ये देखिए छोटा सा इसने ज़ॉम्बी फेंका है, उसे तो जल्दी मार देंगे। देखिए एक यहाँ पर एक है भैया,
एक ही सिंपल जॉम्बी है, उसको भी ख़त्म करते हैं, चंपर से खाना चालू करते हैं, पर उसे कोई असर नहीं हुआ। बाप रे, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है भैया। ओए डरने की बात नहीं है, वो तो जितने भी आगे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास लॉन मोअर है, वो उसे तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी तो हमने हमारा होने ही वाला है, आराम से हो जाएगा, डे 14 ख़त्म होने वाला है, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, डरने की क्या बात है, एक बड़ा ज़ॉम्बी ही तो है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आने दीजिए इसको, तुरंत ही इसको ख़त्म करते हैं। तो ये बड़ा ज़ॉम्बी है और इसके साथ ये लॉन मोअर चलेगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया भैया। तो ये था भैया वीडियो, हो ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।